तो ये आपकी है बेंच ड्रिलिंग मशीन, आप देख रहे हैं। तो ये इसका बेस है और ये जैक क्लैंप है इसका, और ये इसकी टेबल है जिसके ऊपर की हम ये वाइस जिसके माध्यम से हम जॉब को पकड़ते हैं, वाइस आप देख रहे हैं। इसके पश्चात ये आपका ड्रिल चक हो गया, ये आपका ड्रिल हो गया, ये स्पिंडल, दिस इज स्पिंडल, और ये फीड रॉड जो इसको फिटिंग देती है जिसे, और ये जो है ऊपर इधर मोटर है, और यहां पर इसकी बेल्ट पुल स्टेप पुली है, स्टेप पुली डिफरेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम कम ज्यादा इनकी माध्यम से स्पीड को कर सकते हैं। और ये इसका स्टार्टर पॉइंट है, ठीक है। और जो ड्रिल चक है इसको किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, इसके लिए ड्रिल की, ये ड्रिल की है, दिस इज ड्रिल चक की, तो इसके माध्यम से हम इसको, जब हम इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो ये खुलेगा, जब राइट की तरफ इसको प्रेसिंग करेंगे तो टाइट होगा। ये इसका तरीका है, ये तरीका है। ये स्लॉट जो है इस स्लॉट के अंदर फिक्स होकर के इसको टाइट कर देते हैं ये, और खोलना है तो इसको एंटी क्लॉक जब आप करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ड्रिल फिक्स किया हमने। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक वुडन पीस है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम एज एग्जाम्पल इसके ऊपर एक मार्किंग ले रहे हैं, ये देखो, तो हम इसको ये ड्रिलिंग करके ये डिजाइन बनाएंगे। तो अभी हमने हाइट जो है इसका सेट कर लिया, और एक्चुअल इसके नीचे भी इस वाइस को अपना कंट्रोल करने के लिए यहां कंट्रोल दिया हुआ है नीचे, जिससे ये 360 डिग्री जो है, ये अभी आपको दिखा रहा हूं, ये चारों तरफ घूम सकती है, ये देखो ऑल अराउंड। आप भी ये सोचो कि यहां से आपने अपने हाथ से इसको फीड कर रहे हो, फॉलो। अभी हम इसको थोड़ा सा लेवल और प्रॉपर, जो इस ड्रिलिंग में बेंच ड्रिलिंग मशीन की काम करने की जो क्षमता है वो 1 mm, अभी आपने ये जो था ये 2 mm का है, परंतु इसकी कैपेसिटी इस मशीन की है 1 mm टू 12 mm, ये देखो जो 12 mm, ये है 12 mm, तो ये, और ये जितने भी इस मशीन के ऊपर बेंच ड्रिलिंग पे ड्रिल यूज होते हैं वो स्टेट सैंक होते हैं, दिस इज स्टेट सैंक, इनकी सभी की सैंक जो है स्टेट सैंक है, राइट। और इनका जो ये एंगल है ये 59 होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना जो एंगल है ये 59 का एंगल रहेगा, और ये ऊपर जो है ये दोनों तरफ इसका मार्जिन होता है, ये कटिंग एज जिसको बोलते हैं, ये बीच में जो है ये फ्लूट्स है जिसके माध्यम से मटेरियल रिमूव होता है। तो ये तो छोटा है, इसमें ये सारी चीजें उतनी क्लियर नहीं है जितना कि ये बड़े ड्रिल के अंदर आप देख रहे हैं। रिमूव करते हैं क्योंकि काम जब हो जाता है उसके बाद जो टूल को वहां नहीं रखते उसको हटा लेते हैं ताकि कोई हेमरेज ना हो।